दोस्तों सैमसंग ने अपने दो डिवाइसेस लॉन्च कर दिए हैं, एक है गैलेक्सी A31 और एक है गैलेक्सी M11। ये दोनों मोबाइल लॉन्च कर दिए, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी A31 की और गैलेक्सी M11 की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि जो सैमसंग ने अपना नया मोबाइल लॉन्च करा है गैलेक्सी A31, वो कैसा मोबाइल है, क्योंकि वो आपका 22,000 रुपये की रेंज में आता है और वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। और आप उनमें से हैं जो कि ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, तो आपके लिए ये ऑफलाइन में काफ़ी अच्छा मोबाइल रह सकता है। तो जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स हैं, ये आपको कैसा मिलता है और आपको ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं, एक मेरा ओपिनियन जान लेना इस वीडियो के आखिर तक, आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि मोबाइल आपको 22,000 रुपये का मिलता है। हम इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो आपको फ्रंट में 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस एस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि M21 और M31 से ज़्यादा अच्छी है। आपको ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे M21 और M31, तो यहाँ पर इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूँ, तो आपको एक माइक देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी देखने को मिल जाती है, जिससे आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं 15 वॉट तक की। मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को अपनी फास्ट चार्जिंग पे थोड़े से पैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि 2020 में 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग वो भी 22,000 के मोबाइल में इतनी वर्थ नहीं करती है। मतलब 20 वॉट की तो चार्जिंग होनी ही चाहिए, 15 वॉट आजकल के टाइम में चलती नहीं है। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, और हेडफोन जैक के साथ साथ इसके अंदर, इसके बॉक्स के अंदर मोबाइल के, आपको हेडफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। मतलब सीरियसली आपको देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इस मोबाइल के साथ आपको हेडफोन्स भी देखने को मिलते हैं, आपको अलग से हेडफोन्स परचेज नहीं करने पड़ते, तो वो भी अच्छी बात है। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, एक पावर बटन देखने को मिल जाता है, दो वॉल्यूम ब्रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब दो सिम और एक SD कार्ड डाल सकते हैं, मतलब तीनों चीज़ें आप एक साथ डाल सकते हैं, जो कि मुझे सैमसंग की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाकी कंपनीज इतना ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पर, लेकिन इंडिया में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दो सिम भी डाल सकते हैं और एक कार्ड भी डाल सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, सैमसंग गैलेक्सी M31 और M21 जैसी 6000 mAh की बैटरी तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 5000 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपका एक दिन बहुत आराम से दे देगी हैवी यूसेज में, मतलब बहुत आराम से आपका एक दिन निकाल देगी। और अगर आप मीडियम वाले हैं, मतलब कोई ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते नहीं हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो आपका तो आराम से डेढ़ दिन ये 5000 mAh की बैटरी निकाल देगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको बड़ी बैटरी मिलती है, 6000 नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी मिलती है। और साथ में आपको इसमें 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो देखने को मिली जाती है, थोड़ी ज़्यादा होती तो अच्छा होता, लेकिन अभी आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। और साथ में बात करूँ, इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो एक्सिनोस का कोई प्रोसेसर नहीं है, मतलब सैमसंग का खुद का कोई प्रोसेसर नहीं है, वो है हीलियो P65। मतलब इसके अंदर आपको सैमसंग का खुद का कोई प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता, और हीलियो P65 भी एक अच्छा प्रोसेसर है, मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है, लेकिन आप इससे ज़्यादा कोई गेमिंग की बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप पबजी इसके अंदर खेलेंगे तो अराउंड आप मान के चलिए मीडियम सेटिंग्स में आराम से पबजी चल जाएगा, मतलब लो पे भी नहीं जाएगा, हाई पे भी नहीं जाएगा, ये बीच में चलेगा, एक अच्छी सेटिंग्स में, बैलेंस सेटिंग्स में ये चल जाएगा बड़े आराम से, आपको कोई ज़्यादा लो भी नहीं करना पड़ेगी और आप हाई भी नहीं कर सकते। तो गेमिंग के मामले में मीडियम सेटिंग्स में आराम से इसमें पबजी चलेगा। और अगर बाकी सारे काम की बात करूँ, तो बहुत आराम से कोई आपको डेली लाइफ में लैग देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एप्स यूज़ करें, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा स्टटर आपको मिल सकता है इस मोबाइल के अंदर, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज कर रहे हैं तो वो नहीं करें इस मोबाइल में, तो ज़्यादा सही है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि आप उसके अंदर बहुत बहुत हैवी चीज़ें करें। तो 22,000 रुपये की रेंज में प्रोसेसर भी ठीक है, और इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही रैम का ऑप्शन मिलता है, जो कि है 6GB रैम, बस 6GB रैम का ऑप्शन मिलता है, जो कि LPDDR4X रैम है, और जो कि आपका दिन के सारे काम बड़े आराम से निकाल देगी। और इसके साथ साथ आपको 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है 6GB के साथ, और इसके साथ साथ ही आपको वाइड वाइन एलवेंस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, मतलब आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम इसको फुल HD में देख सकते हैं, और HDR का भी सपोर्ट देखने को मिलता है इसके अंदर, वो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग ज़रा सैमसंग की सिक्योरिटी जिनको पसंद है, वो भी इसके अंदर मिलती है, जो कि है नॉक सिक्योरिटी, जिससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और काफ़ी अच्छी रहती है अगर आप नॉक सिक्योरिटी ऑन करते हैं। तो ये चीज़ इस मोबाइल के अंदर काफ़ी अच्छी है। और हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें, तो इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ में इसके ऊपर जो UI है वो है One UI 2.0। और अगर बात करूँ तो सैमसंग की जो One UI 2.0 है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब सीरियसली बहुत ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि उसके जो आइकन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और मतलब एक अच्छा लुक देती हैं UI को, मतलब ना एड्स आते हैं ना कुछ आता है, तो काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। अगर बात करूँ स्टॉक एंड्रॉयड और ऑक्सीजन OS के बाद, अगर मुझे कोई
UI बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो वो One UI 2.2 है। मतलब Samsung ने सच में अपनी UI पे काम करा है, और मैं जितना इसको यूज करता हूँ ये मुझे उतनी अच्छी लगने लगती है UI। सच बता रहा हूँ, ये UI बहुत अच्छी है। और अगर बात करूँ उसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको फ्रंट में तो आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स क्लिक करनी है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फी क्लिक करते हैं, तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है इस प्राइस रेंज में। और अगर बात करूँ इसके बैक कैमरा की, तो आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मतलब चार कैमरा इसके अंदर देखने को मिलते हैं, एक आपको मेन कैमरा, एक वाइड कैमरा, एक मैक्रो कैमरा और एक डेप्थ सेंसर। तो ये चार कैमरा देखने को मिलते हैं। इसका जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल के साथ आता है, एपर्चर 2.0, और जो इसका वाइड है वो 26 mm है, और जो अल्ट्रा वाइड है वो आपका 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, और उसका जो एपर्चर है वो f2.2 पर है, और जो इसकी वाइड है वो 13 mm की है, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती है। तो अगर आपको कई लोगों के फोटोज़ लेने तो अल्ट्रा वाइड कैमरे से ले सकते हैं। और इसका जो डेप्थ और मैक्रो लेंस है वो आपको 5-5 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं f2.4 के साथ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मैक्रो लेंस की इतनी कोई ज़रूरत होती है, ज़बरदस्ती वो क्वाड कैमरे की वजह से कंपनी ज़बरदस्ती डालती है, ताकि ज़्यादा अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर पाएँ कि हमारे कैमरा में, हमारे मोबाइल में चार चार कैमरे हैं। तो ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मुझे इतना कोई यूज़ समझ में नहीं आता है। वो एक और अच्छा काम, वो सिर्फ अपने अल्ट्रा वाइड कैमरा से ही काम ले सकती है मैक्रो लेंस से, लेकिन लेती नहीं है, वो अलग बात है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो आपको ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर कि नहीं ख़रीदना चाहिए, मतलब 22,000 रुपये की मैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका प्रोसेसर है वो एक अच्छा प्रोसेसर है, मतलब आप इससे बहुत हाई एंड की उम्मीद नहीं कर सकते। आप उससे ये नहीं कर सकते कि पबजी हाई सेटिंग में चलाए, ऐसा नहीं है। वो पबजी को मीडियम सेटिंग से चलाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल लो पे चला रहा है या बिल्कुल हाई पे चला रहा है, वो बीच में चलाएगा। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन तो इसकी बहुत प्यारी है। मतलब सीरियसली, अगर आप बहुत सारा नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप बहुत सारी अमेजोन प्राइम पे वीडियोस देखते हैं, या हॉटस्टार, या मीडिया कंज्यूम करते हैं किसी भी तरीके का, तो मेरे भाई इसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, लिटरली बहुत प्यारा है। और सैमसंग के तो सबसे अच्छे डिस्प्लेज होते हैं, आप कई साल पुरानी भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, मतलब कई सालों से सिर्फ सबसे अच्छा अगर कोई डिस्प्ले बना रहा है तो वो सैमसंग है। और सीरियसली बहुत प्यारा डिस्प्ले बनाता है, और इसके अंदर आपको एक अच्छी और बड़ी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी। फास्ट चार्जिंग आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती, 15W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो कि थोड़ी सी खटकती है 2020 में, मतलब सीरियसली खटकती है थोड़ी। कम से कम 20W की तो चार्जिंग होनी चाहिए, वैसे तो नॉर्मली तो 30W की चार्जिंग होनी चाहिए, लेकिन 20W भी दें तो काफ़ी है, लेकिन वो भी नहीं दे रहे, 15W की चार्जिंग दे रहे हैं, तो वो थोड़ी सी तकलीफ होती है देख के कि अभी भी सैमसंग फास्ट चार्जिंग के मामले में थोड़ा पीछे है। और बात करूँ तो ऑल ओवर ये काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर ये किन लोगों को लेना चाहिए, मतलब मुझे कैसा मोबाइल लगा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी बढ़िया मोबाइल लगा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में। मतलब जो ये चीज़ें ऑफर कर रहा है उस प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। और एक मुझे अच्छी बात लगी कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, मतलब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है कि बाहर से पार्ट्स उठा के असेंबल कर दिया इंडिया के अंदर, नहीं, इसके जो पार्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर लगे हैं, तभी ये मैन्युफैक्चर इन इंडिया का टैग लगा सकते हैं। तो सैमसंग की ये अच्छी बात लगी, क्योंकि सैमसंग की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा जिनकी PCBs वगैरह बन रही हैं, सारे मोबाइल बन रहे हैं, वो कहाँ पर बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर है, तो ज़्यादातर चीज़ें इनकी इंडिया में बन रही हैं। तो ये अच्छी चीज़ लग रही है, इनके जो मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं, और शायद इसी वजह से शायद सैमसंग अपने मोबाइल के ये जो बजट सेगमेंट में वो प्राइस कम कर पा रहा है, शायद ये वजह हो सकती है। तो ये मोबाइल मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो मीडिया कंज्यूम करते हैं, जिनको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, जिनको बहुत अच्छा डिस्प्ले चाहिए, और उन जो एक नॉर्मल सी गेमिंग कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल एक अच्छी हाथ से गेमिंग कर सकते हैं, और जिनको थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है कि जो नॉक सिक्योरिटी है, जो उसका जो एडिशन है वो थोड़ा बढ़िया रहता है। और ये सैमसंग कम से कम आपका डेटा चुराता तो नहीं है, शायद चुराता हो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन है, अभी तक तो ऐसा कुछ सैमसंग के ऊपर लांछन नहीं लगे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा मोबाइल है, आप ले सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन मार्केट से चाहिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं देख सकते, ऑनलाइन में इससे बेहतर बेहतर ऑप्शन है, लेकिन ये आपको एक ऐसा पैकेज दे रहा है कि आप इसको ले सकते हैं, ये कहीं से भी बुरा मोबाइल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोबाइल है एक उन लोगों के लिए, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए जो इतना पबजी वगैरह नहीं खेलते, इतनी गेमिंग नहीं करते, पबजी थोड़ा बहुत लेते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मोबाइल है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पबजी खेलते हैं, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम खेलते हैं, तो मेरे भाई ये मोबाइल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, मतलब सीरियसली नहीं बना है। ये उन लोगों के लिए जो कि अपने मोबाइल में वीडियोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं, ये उन लोगों के लिए मोबाइल है, या डे टू डे जो काम करते हैं, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है, इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको एक डिसेंट सी गेमिंग देखने को मिल जाती है, पबजी आप मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, काफ़ी सारे गेम आप मीडियम सेटिंग पे खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो
मैं तो बोलूँगा कि मोबाइल खरीदने लायक है, बिल्कुल खरीदने लायक है 22,000 रुपये में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, आप शाओमी वगैरह रियलमी वगैरह इन सबसे दूर भागना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और सीरियसली इसने अपनी UI भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर ली है, मतलब One UI 2.0 बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है, मुझे बहुत पसंद आती है। जितना मैं यूज़ करता जा रहा हूँ इसको डेली मुझे उतनी पसंद आ रही है, मतलब सीरियसली बहुत अच्छी UI है। तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ये मोबाइल खरीदने लायक है, लेकिन मैंने बता दिया कि किन लोगों के लिए, गेमर के लिए ये मोबाइल बिल्कुल नहीं है, आम लोगों के लिए मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया से चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए स्प्रेड पीस 7 हैप्पीनेस।